हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश। आज हम लोग मैट्रिक्स के सीरीज में पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और हेडिंग लगा लें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्लीज का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए डैश ए डैश इज इक्वल ए नॉन सिंगुलर। किसको बोला जाए? वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए डैश या ए डैश इज इक्वल आई। तो यहां से पता चल गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो यहां से क्या होगा? ए का इनवर्स ए डैश या ए डैश का इनवर्स ए, तो ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा? ए डैश। आइए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, तो बाय ऑर्डर कर लिए। अब इसका ट्रांसपोज प्ले कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ a इंटू ए डैश कर लें या a डैश इंटू a कर लें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा? यहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ करेंगे माइनस cos साइन और साइन cos। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे माइनस साइन cos प्लस cos साइन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर और प्लस cos। आप लोग मल्टीप्लाई करने के लिए जान लेंगे, आपको बता भी दिया है ना। चलिए, तो यह वन हो जाएगा और यह जीरो हो गया, यह भी जीरो हो गया और यह हो गया। तो अब इस तरह से क्या देख रहे हैं कि आई आ। सेम इसी प्रकार से यदि आप ए डैश ए बी ए डैश इंटू ए बी करेंगे तो विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इससे पता चल गया कि आई सॉरी ए इज ऑर्थोगोनल। क्लियर है? अब आइए इसमें कुछ प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, पहला प्रॉपर्टी नोट करें, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल प्लस माइनस। क्या पहला प्रॉपर्टी है? ए यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोग को प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस होगा। गिवन ए एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सो ए डैश ए डैश इक्वल नाउ किसी एक पार्ट को लिख दीजिए ए डैश इक्वल है। अब इसमें डिटरमिनेंट बताते हैं, ठीक है, अब ए इंटू बी का डिटरमिनेंट ये अलग अलग होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, यह हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश और आई का डिटरमिनेंट वैल्यू वन और ए का जो डिटरमिनेंट होगा वही उसके ट्रांसपोज का होता। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद उसके डिटरमिनेंट पर कोई फर्क, तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इक्वल वन, डिटरमिनेंट ए इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस। बात क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर दो इसी में जाएगा, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इज नॉन सिंगुलर देन, अब यहां आ जाएगा देन ए इज नॉन सिंगुलर
क्या लिखे, यदि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेम इसी प्रकार से करेंगे ऑर्थोगोनल तो सिर्फ लेके यहां तक आएंगे, तो यहां आने के बाद आपको पता चल गया ए जीरो के बराबर नहीं आया, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो बराबर आया, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो गया, आप लोग नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं थर्ड, प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ट्रांसपोज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वह भी ऑर्थोगोनल होगा। लेट ए बी एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड ए डैश बी ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, टू प्रूफ ए डैश इज ऑर्थोगोनल। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल, मतलब ए डैश ए ऑर्थोगोनल था उसका ट्रांसपोज ए डैश को प्रूफ करना है वो ऑर्थोगोनल था नो, तो जिसका ऑर्थोगोनल दिखाना है वह मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इसको आई दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको हम दिख लेट करते हैं ए डाइस, दो बार करेंगे फिर हो जाएगा। और सिंस ए इज ऑर्थोगोनल सो ए डाइस इक्वल क्या हो जाएगा आई, तब बताइए ए डाइस ए को क्या लिखा जाएगा आई लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि ए डाइस और ए डाइस का होल डाइस यह मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज जो आई आ गया सो ए डैश इज ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थो ए डैश ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या हो गया, ए ऑर्थोगोनल था उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल हो गया। क्लियरली हो गया ट्रांसपोज ऑफ एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करें, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा ऑर्थोगोनल, ये हम लोग को देखना है। प्रूफ, लेट ए एंड बी बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए डैश इक्वल आई, बी बी डैश बी डैश बी इक्वल आई। टू प्रूव ए इंटू बी इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम लोग को प्रूव करना है कि ए इंटू बी भी क्या होगा वो ऑर्थोगोनल। तो किसी को ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स को लेंगे और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे, यदि यह आई आ गया तो इसको ऑर्थोगोनल बोला जाएगा। चलते हैं लेके ए बी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इंटू बी डैश इंटू ए बी इंटू बी डैश बी डैश। ठीक है, तो बी इंटू बी डैश को क्या बोला जाएगा, बी इंटू बी डैश को आई, कहां से दिखाया गया फ्रॉम वन से। अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा
आई इसको छोड़ने पड़ेगा, ए इंटू ए डैश हो गया, और ए इंटू ए डैश आई के बराबर, ठीक है, ए इंटू ए डैश का आई बराबर, क्योंकि कहाँ से आ गया, फ्रॉम वन से निकाल गया, तो यहाँ से पता चल गया डैट इज ए बी, ए बी का होल ट्रांसपोज आया आ गया। सेम उसी प्रकार से ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू ए बी भी करेंगे तो अभी क्या आएगा, आई आ जाएगा। सो ए इंटू बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा प्रॉपर्टी, प्रूव दैट आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रूव करना है आई क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि आई इंटू आई डैश करें वो अभी आ जाएगा, ये आई डैश इंटू आई करें वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल गया, डैट इज आई इंटू आई डैश, ये आई डैश इंटू आई आई आ गया, सो आई इज एन ऑर्थोगोनल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग लगा लें, यूनिटेरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए सेट टू बी यूनिटेरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा या ए थीटा इंटू ए इक्वल, चूंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन होगा तो लिख लें ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटेरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा इंटू ए इक्वल, क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। अभी ऑर्थोगोनल में क्या था, ए डैश से इक्वल आई, और यूनिटेरी हो गया ए थीटा या ए थीटा इंटू ए इक्वल आई होना चाहिए। इस पर एक थ्योरम बनता है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी एंड बी आल्सो यूनिटरी ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो प्रूफ करना होगा ए बी इंटू बी, ए बी क्या होगा यूनिटरी मैट्रिसेस होगा। गिव ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस, शो ए थीटा ए थीटा इक्वल आई एंड बी थीटा बी थीटा बी बी क्या होगा आई, ठीक है। इसको बन नाउ हम लोग पहले प्रूव करते हैं कि ए बी जो होगा वह यूनिटरी मैट्रिसेस होगा। ए बी इंटू ए बी थीटा लिख लें, ये आई आना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ए बी का होल थीटा क्या था, बी थीटा ए थीटा, ठीक है। ए इन दोनों को एक साथ मिलेंगे, ठीक है। ए बी का होल थीटा बी थीटा इतना हो गया, बी थीटा एक साथ मिलेंगे। अब बताइए बी और बी थीटा को आप क्या लिखेंगे, बी और बी थीटा को आई लिखा जाएगा, कहां से लिखा गया, फ्रॉम वन से। अब बताइए आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ए थीटा आ गया, ए थीटा को फिर आई लिखा जाएगा। आपने क्या देखा, डैट इज ए बी और ए बी का होल थीटा आई आ गया, सो ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स।
आगे सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि बीए भी क्या होगा, पेनिट्रेटिंग मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली बीए इज सिमिलरली वी कैन प्रूफ बीए इज पेनिट्रेटिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको समझ लिए भी होंगे और आप प्रूव भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और मज़ा आ ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, है ना। और दोस्तों भी शेयर भी क्या करें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।